हमारे जैन धर्म में भी भिन्न भिन्न गुरुवर का सानिध्य प्राप्त होता है। कई बार प्रक्रियाएं और चर्याएं भिन्न भिन्न होती है, कहीं कहीं विचारों की भी भिन्नता आती है। ऐसी स्थिति में सामान्य बुद्धि का आदमी कई बार भ्रमित हो जाता है कि आखिर हमें किस राह पे चलना है। क्या हमारे जैन संतों में एक चेन ऑफ हो सकती है क्या, जिससे कि सब लोग एक ही सूत्रधार में बंधे रहे? जिस दिन सारे भारत में एक विचार, एक संत की एक धारा हो जाएगी, उसी दिन भारत समाप्त हो जाएगा। एक स्कूल में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थी एक से नंबर कभी नहीं ला सकते, और जो अच्छे नंबर लाएंगे उनका सम्मान होना ही चाहिए। जब तक ये भेदभाव नहीं रहेगा तब तक वो कॉलेज और पढ़ाई में कभी प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। एक 33 नंबर भी लाता है और एक 99 नंबर भी लाता है। यदि सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाए तो 33 वाला 99 तो लाएगा नहीं, 99 वाला जरूर 33 हो जाएगा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। हमेशा आपको ये ध्यान रखना चाहिए, गुरु के गुण देखना चाहिए। मार पिछी का मंडल साधु लेने से कुछ नहीं होता, साधु कहलाने से कुछ नहीं होता। ऐसे साधु भी हैं जो ऐसे अपराध करते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति अपराध करे तो जमानत पे छूट जाता है, और साधु अपराध करे तो वर्षों तक भी जमानत नहीं होती है। उनके लिए भी आप साधु कहते हो, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। हमेशा हर साधु का गुण देखना चाहिए, और वो गुण को परखने की ताकत तुम्हारे में होना चाहिए। दुकानदार कभी भी दुकानदार से कहना, साहब अच्छा नारियल देना वगैरह, मैं तो सब अच्छे ही रखे हूँ। ये तो खरीदने वाले को चाहिए कि उसको नारियल की परख होना चाहिए। हर साधु अपने आप को साधु मानता है, धोख देने वाले को चाहिए कि मेरा गुरु कैसा होना चाहिए। भोग देने वाले को चाहिए, कल्याण तो तुम्हारा होना है, विनाश तो तुम्हारा होना है, खोटा निर्यल तो तुम्हें मिलना है। दुकानदार का तो खोटा निर्यल बिक रहा है, ये तो तुम्हारी अकल होना चाहिए। तुम कहते हो कि सारे दुकानदार अच्छा माल बेचे, तुम्हारा प्रश्न ये कि सारे दुकानदार अच्छा माल बेचे, ऐसा ना हुआ है, ना हो रहा है और ना होगा। मेरा सिद्धांत है हर ग्राहक अच्छा माल खरीदे, हर ग्राहक अच्छा माल खरीदे, और तुम कह रहे हो हर ग्राहक हर दुकानदार अच्छा माल बेचे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। साधु दुनिया में रहेंगे, सदा रहेंगे। तुम्हें साधु गुरु कीजे जान के और पानी पीजे छान के। आपको खुद पहचान होना चाहिए कि तुम्हारा साधु कैसा हो। तुम्हारे साधु तुम्हारे गुरु ऐसे कार्य करते पाए जाए जिसमें ग्रस्त भी नहीं पाया जाता, और फिर भी तुम कहो सब साधु एक होना चाहिए। जिस दिन सारे साधु एक हो जाएंगे उसी दिन भारतीय संस्कृति मिट करके भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए साधुओं का भेदभाव सदा से रहा है, आज भी है, और जब तक रहेगा तब तक साधुता जिंदा रहेगी। पहचान होना चाहिए हर भक्त को। ये चेर नहीं होना चाहिए कि पिछी कमंडल वाले तुमको लाखों प्रणाम, जो तुम्हारा ऐसा नहीं। गुण देखो, उनकी चर्या देखो, अच्छी तरह देखो, परखो। गुरु को अंधे बनकर के कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। गुरु को ऐसे परखना चाहिए जैसे जौहरी रत्न को परखता है, और परखने के बाद फिर रहना चाहिए। इसलिए आप जिस भाव को लेकर के बाजार में निकले हैं, भाई साहब आप ठगे जाओगे, खोटा नारियल लेके आओगे। इसलिए नारियल खरीदना है, थोड़ा नारियल की कोचिंग करो कि चोखा नारियल कैसा होता है, फिर बाद में नारियल खरीदने जाना। नहीं तो नारियल लाओगे और फोड़ोगे तो कर्म और फोड़ोगे। नमस्ते गुरुदेव।